तो गुड मॉर्निंग भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग भारत में तमाम बड़ी खबरें सुबह 6 बजे की आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। वो 5 बड़ी खबरें कौन सी है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तूफानी प्रचार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी है, विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है बेबी केयर अग्निकांड में पेशी होगी, जिन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया उनकी पेशी होगी। और तीसरी बड़ी खबर राजकोट अग्निकांड पर एक्शन में है भूपेंद्र पटेल सरकार, लगातार एक्शन का सिलसिला बना हुआ है। और आपको बता दें चौथी बड़ी खबर रेमल चक्रवात का लैंडफॉल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो टीमें हैं वहां पर तैनात है। इसके अलावा पांचवी बड़ी खबर है कविता विभव की जमानत अर्जी पर सुनवाई, क्या होगा इन दोनों का, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट पर, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रहता है रुख। तो दिन की ये बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है यूसीसी पर। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया यूसीसी पर, उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में यूसीसी लागू करेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी अमल होगा। यह अमित शाह की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव और साथ ही यूसीसी को लेकर एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर हमारा स्टैंड क्लियर है और यह लागू किया जाएगा। यूसीसी अगले कार्यकाल में लागू करेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी अमल किया जाएगा। यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगले कार्यकाल में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र एक चुनाव, इन दोनों पर अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। और दोनों पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगले कार्यकाल में, यानी सरकार पूरी तरीके से निश्चिंत है, सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अगला जो कार्यकाल होगा वो मोदी सरकार का होगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ये बड़ा स्टेटमेंट यूसीसी को लेकर दिया है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में इन दोनों ही कदमों को, इन दोनों ही फैसलों को लिया जाएगा। तो आपको बता दें जहां एक तरफ एक चरण का चुनाव बचा हुआ है और इसी कड़ी में ये बड़ा स्टेटमेंट देश के गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। तो अमित शाह ने क्लियर कर दिया, इससे पहले आपको बता दें राजनाथ सिंह भी ये कह चुके हैं, वो भी यूसीसी के ऐलान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये जो यूसीसी है उसको अगले कार्यकाल में हम लागू करेंगे। तो आपको बता दें ये दो बड़े फैसले जिसको लेकर एक बार फिर से साफ कर दिया है मोदी सरकार ने कि वो पूरी तरीके से इसको लेकर क्लियर है, इसको लेकर बिल्कुल रुख साफ है और अगले कार्यकाल में जो ये दोनों बड़े फैसले हैं उनको लिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें लोकसभा चुनाव, जी हां लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी कड़ी में 6 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी आखिरी चरण की है, जिसको लेकर धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार करें, कल उत्तर प्रदेश में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और कैसे विरोधियों पर वो जमकर गरजे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सातवें दौर की जोर आजमाइश, दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। वार पलटवार, जीत की ललकार। जनता किसका करेगी बेड़ा पार। लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चरण है, 6 चरणों के मतदान के बाद सत्ता पक्ष 400 पार के नारे बुलंद कर रही है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि अब की बार बदलाव की बयार। आखिरी चरण पर सबकी नजरें टिकी हैं और ये चरण तय करेगा कि जीत